रीवा जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के निपनिया पुल से नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव सिरमौर पीएसपी में बरामद हुआ है, जिसका पंचनामा कार्यवाही कर सब परिजनों को सौंपा गया है। बताया जाता है कि मोतीलाल साहू निवासी निपनिया का उसकी पत्नी के साथ विवाद हो गया था। विवाद के बाद मोतीलाल निपनिया पुल से नदी में छलांग लगा दिया था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। मंगलवार को सिरमौर थाना क्षेत्र के टीएसपी में शव देखा गया था, जिसकी शिनाख्त मोतीलाल साहू के रूप में हुई है। आइए सुनाते हैं उक्त मामले में एडिशनल एसपी अनिल सोनकर ने क्या कहा है। सिटी कोतवाली थाना अंतर्गत निपनिया थाना सिटी कोतवाली में मोतीलाल साहू नशे में थे और अपनी पत्नी से कुछ विवाद किए, और विवाद करने के बाद वो निपनिया पुल पे आकर नदी में कूद के आत्महत्या किए। उनका शव जो है परसों से लगातार तलाश की जा रही थी, नदी में पानी बहुत था इसलिए वो मिला नहीं। SDRF और पुलिस की टीम लगातार जो है उन्हें तलाश कर रही थी। शव जो है पानी के बहाव से सेमरिया में जा कर के उनका शव आज मिला है सिरमौर में। तो उसको दस्तयाब किया गया है, शव का पंचनामा मना करके उन पर जो है PM की कार्रवाई की गई है। मामले में जांच जारी है। नशे में था, कहाँ से कूद गया था? निपनिया पुल से वो कूदा था, घर में जो है अपने पत्नी से विवाद किया और विवाद करने के बाद जो है उसे धमकाते हुए कि मैं जा रहा हूँ आत्महत्या करने, और घर से भाग गया। कुछ लोग उसका फॉलो करके पीछा भी किए, लेकिन वो दूरी ज़्यादा थी और उनके पहुँचने के पहले वो छलांग लगा करके नदी में चला गया था।